नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श और आपका स्वागत करता हूँ हमारे वॉल्ट चैनल में। सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं इस दीपावली पर। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, आपके पोर्टफोलियो धनलक्ष्मी से भरे रहे, कभी आपको किसी भी कॉइन में कमी ना आए, जो भी आपने होल्ड किया उसमें हर एक में अच्छा पम्प मिले। तो इस दिवाली पर आप कौन से कॉइन बाय कर रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलरेडी मैंने आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर पूछा कि इस नो सेल नवंबर में क्या आप सेलिंग कर रहे हैं या फिर होल्डिंग कर रहे हैं, और कौन सी कॉइन्स ऐसे जो आप होल्ड कर रहे हैं, ऐसे कॉइन्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात WRX की, तो WRX ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर, और पूरी उम्मीद है कि आज या एक दो दिन के अंदर WRX कॉइन बर्न हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह जब ये पहले बर्न हुआ था तो बहुत ही सडनली हमें सिर्फ न्यूज़ मिली थी कि बर्न हो चुका है, तो ऐसा ही कुछ पॉसिबल हो सकता है कि हमें सिर्फ न्यूज़ मिले BNB बर्न की तरह या फिर WRX बर्न की तरह। लेकिन कुछ अच्छे कॉइन्स की बात करें जैसे कि इथेरियम है, तो उन्होंने बर्निंग बंद ही नहीं करी है। यहाँ तक अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो 15,000 से भी ज़्यादा कॉइन्स बर्न किए हैं, और जो टोटल माउंट है इथेरियम का जो बर्न किए गए हैं पिछले 9 दिन के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा हैं। यही कारण है कि हमें इथेरियम के प्राइस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इथेरियम ने। हमेशा इथेरियम को होल्ड करके रखें, अभी ये $7,000-$8,000 तक जा सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसे कॉइन्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो है @WarFoodOfficial, तो हमेशा टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, इसी के साथ कार्डानो के बारे में, और कई सारी अपडेट्स आ रही हैं एवलांच के बारे में, डॉजकॉइन के बारे में, WRX के बारे में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, तो इसको पूरा देखते रहिए, अभी से लाइक कर दो। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अभी से हमारे चैनल वॉल्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवलांच के बारे में। एवलांच फाउंडेशन ने लॉन्च किया $200 मिलियन का ब्लिजर्ड फंड, जिसके द्वारा उसकी चेन के ऊपर और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली हैं और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्ड किए जाएंगे। और ये फंडिंग अलग अलग प्रोजेक्ट्स की तरफ से आ रही है, अलग अलग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इसकी वजह से हमें एवलांच का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एवलांच का प्राइस $80 को अभी टेस्ट किया है। $80 बहुत ही बड़ा नंबर है, एंड हम $100 ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि $100 तक बहुत ही आसानी से जा सकता है। 100 का अगर ये टारगेट कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद $130 तक भी दिखेगा। बिल्कुल वैसे परफॉर्म करने वाला है जैसा हमने सोलाना में देखा है प्रॉफिट, या फिर एक्सी इन्फिनिटी के कॉइन में देखा है एक्सेस में, तो ऐसे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो शिबा इनू अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि प्राइस एक बार नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद ऊपर को एक रैली पकड़ सकता है शिबा इनू दोबारा से। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि शिबा इनू डेली ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है, इवन यहाँ तक कि सोलाना और इथेरियम को भी क्रॉस कर चुका है इस चीज़ में। करंटली अगर आप देखते हैं, चाहे शिबा इनू 11th पोजीशन तक पहुँच चुका है, लेकिन इसके अगर हम 24 आवर की वॉल्यूम की बात करें तो $8 बिलियन से भी ज़्यादा है। ऊपर के आप देखोगे यहाँ कोई भी आसपास नहीं है। अगर हम सोलाना की बात करें तो वो 5 है, BNB $2.5 बिलियन है, इथेरियम $20 बिलियन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर इवन डॉजकॉइन को क्रॉस करता हुआ शिबा इनू दिखा है। और सबसे बड़ी न्यूज़ अगर हम बात करें शिबा इनू की लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग रॉबिनहुड के ऊपर पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जो रॉबिनहुड है उन्होंने खुद एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसकी वजह से हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि शिबा इनू की लिस्टिंग बहुत जल्द पॉसिबल होने वाली है। एंड इथेरियम की जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस वक्त, वो शिबा इनू को ही कलेक्ट कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं। एंड करंटली ये मीम कॉइन नहीं रह गया, क्योंकि इसकी जो ऑनचेन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिन लोगों ने करीब $8,000 तक इन्वेस्ट किए थे उनका $5 बिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट बन चुका है। तो इस तरह का प्रॉफिट शिबा इनू ने दिया है। हालांकि अभी शिबा इनू सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रह गए, ये बहुत बड़ा डिफाई प्रोटोकॉल बन चुका है। ऐसे नेक्स्ट कॉइन की बात करें जिसके हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो इसको एक स्टेबल कॉइन का भी रूप दे दिया है, कि कार्डानो जो 3rd पोजीशन पर था, अभी इसका प्राइस $2 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका मार्केट कैप नीचे गिरने की वजह से 6th पोजीशन पर आ चुका है, क्योंकि सोलाना ने बहुत बड़ा कंपटीशन दिया है। यही कारण है कि सोलाना आज $240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कार्डानो की है वो ये है कि जो चार्ल्स हॉकिंसन इसके फाउंडर हैं, उन्होंने पार्टनर किया है अफ्रीकन कंट्री के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क्स के साथ, और जल्द ही आडा का बर्न भी पॉसिबल हो सकता है, और वापस कार्डानो 3rd पोजीशन पर आ सकता है। एक्चुअल में क्या कि कार्डानो में जब भी एक पंप आएगा, बहुत ही बड़ा पंप आएगा, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। तो कार्डानो में आपकी होल्डिंग्स जो अभी हैं वैसी बनाए रखो, यहाँ तक कि अगर आपको $1.8 से $2 तक कभी भी मौका मिलता है, जितना ज़्यादा हो सकता है और भी ज़्यादा आप होल्डिंग्स बना सकते हैं।
आखिर में रही बात WRX की, तो WRX का बर्न कभी भी पॉसिबल हो सकता है। आज या कल के दिन मुझे थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ऐसा होने वाला है कि एकदम से न्यूज़ आएगी या फिर अगर थोड़ा सा र्यूमर भी आता है, चाहे वो एक दो घंटे पहले भी आता है, तो WRX का जो प्राइस है वो $3-3.5 तक पहुँच सकते हैं। लास्ट जो हमारा टारगेट था $2 के आसपास, वो अचीव ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी अपडेट्स हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर जो है @WolfedOfficial, तो वहाँ किसी भी अपडेट को मिस मत करना, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया वो आयोटेक्स टोकन ने दिया है। एंड बहुत से लोग इस चीज़ से नाराज़ थे कि उन्होंने इस टोकन को बाय पहले नहीं किया। तो एक्चुअल में इसके कई सारे इवेंट्स हैं अक्टूबर महीने के अंदर, और ये सारे इवेंट्स मैं आपको बता चुका था कि इसको आप बाय कर लो, होल्ड कर लो, क्योंकि कई सारे कॉइन्स होते हैं उनके इवेंट्स का इम्पैक्ट थोड़ा लेट नज़र आता है, और ऐसा ही हुआ जिस कारण आज हमें आयोटेक्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो इस वक्त क्या है कि जो US लॉ मेकर हैं उन्होंने SEC को अप्रूव करने के लिए बोला है कि बिटकॉइन के जितने भी स्पॉट ETFs हैं उनको अप्रूव किया जाए, लेकिन जो फ्यूचर बेस्ड ETFs हैं उनको शायद अभी भी होल्ड में रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक ETF रिजेक्ट हुआ था जिस कारण BTC का प्राइस करीब $4,000 नीचे गिरा था। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी बन रही है जो बिटकॉइन है ये करीब $75,000 से लेकर $85,000-86,000 तक एक रैली ले सकता है, जिस कारण इसी के साथ सभी और कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस महीने के अंदर। तो अभी पूरा सीजन मेटावर्स का है, NFT और गेमिंग बेस्ड टोकन्स का है, ऑल्ट कॉइन्स का है, तो इस ये सभी कॉइन्स आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि कभी भी बाजी पलट सकती है, मार्केट एकदम से नीचे जा सकती है। हालांकि BTC की जो डोमिनेंस वो नीचे जा रही है, लेकिन प्रॉफिट्स बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक कि स्टॉप लॉस की लिमिट लगा कर रखो हमेशा अपने कॉइन्स के ऊपर, जो बड़ी बाइंग है या फिर बड़े एसेट्स हैं उनके ऊपर हमेशा लगा कर रखना। जैसे कि इथेरियम है, या फिर सोलाना की बात करें, BNB की बात करें, कुसामा की बात करें, आवे टोकन है, तो जितने भी हाई वैल्यू के एसेट्स हैं इनके ऊपर स्टॉप लॉस का एक ऑर्डर लगा के रखें ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। तो यही था हमारे आज के वीडियो में, हमने कुछ कॉइन्स कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई और कॉइन है अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा जिसमें आपके दिए हुए कॉइन्स की बात करेंगे। एंड एक चीज़, Polkadot का अभी एक पैराचेन ऑक्शन चल रहा है, वो बाइनेंस के ऊपर चल रहा है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे फ्री में, तो कृपया नीचे कमेंट कर देना, उसके बारे में हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल WolfedOfficial को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, WolfedOfficial साइनिंग ऑफ।